होम एस्ट्रो चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। मेरी ज़िंदगी का एक ही पर्पस है, मैं एस्ट्रोलॉजी को सरल तरीके से समझा सकूं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं आप सबको गाइडलाइन दे सकूं। खास करके जो पेरेंट्स मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं या मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को के ग्रहों को देखें और उनको समझने की कोशिश करें और अपने बच्चों को उस तरह के लाइन में डालें। ये मुझे सबसे बड़ा खुशी देने वाला एक मौका होगा जब लोग मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाएंगे, कुछ गाइडलाइन ले पाएंगे। मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, रहूंगा। मैं अपने सभी आयुर्वेदिक फिजिशियन से भी ये अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी प्रैक्टिस में एस्ट्रोलॉजी और योग को भी सम्मिलित करें। आयुर्वेद, योग और ज्योतिष, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी इसको जरूर लागू करना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से भी ये अनुरोध है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बुध जुमारे, जब हमारे हॉरोस्कोप के प्रथम घर में होते हैं, ये कैसा प्रभाव देने वाले होते हैं। इसके लिए हमें बुध और फर्स्ट हाउस के बारे में जानना होगा। हमारा फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ये हमारी पर्सनैलिटी है, ये हमारा हेल्थ को इंडिकेट करता है, ये हमारा बिहेवियर को इंडिकेट करता है, ये हमारे सक्सेस हमें कितनी मिलेगी, सब कुछ हमारे बारे में जो इंडिकेशन है वो फर्स्ट हाउस से मिलती है। बुध, बुध का संबंध हमारी इंटेलिजेंसी से है, हमारी मेमोरी से है, हमारी ग्रास्पिंग पावर से है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल से है। जो कुछ हम कम्युनिकेट करते हैं जब डिलीवर करते हैं, चाहे वो राइटिंग में है चाहे वर्बल है, ये सब का संबंध बुध से है। बुध का संबंध तुम्हारी स्पीच से है। बुध का संबंध ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन और तुम्हारे शिवलिंग से है। बुध बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। जब बुध हमारे हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में आता है, ऐसे जातक बहुत ही सुंदर होते हैं, क्योंकि बुध को राजकुमार भी कहा गया है। ऐसे जातक बहुत ही अपने आप को मेंटेन रखने वाले रोमांटिक किस्म के इंसान होते हैं। ऐसे जातकों की मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है। ऐसे जातकों में इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं होती। जब बुध अपने सब ग्रही या उच्च के या मित्र ग्रह में बैठे हो, ऐसे जातकों में इंटेलिजेंसी या दिमाग की कोई कमी नहीं होती। जो पेरेंट्स मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हों, तो उन जातकों को जिनका बुध पहले घर में, सब राशि कन्या मिथुन का बैठा हुआ है, आप अपने बच्चों को मैक्सिमम एजुकेशन दें। ऐसे बच्चे के मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है। ये बच्चे कुछ कर गुजरने में काबिलियत रखते हैं। ये बहुत बढ़िया सिंगर हो सकते हैं, ये बहुत बढ़िया राइटर हो सकते हैं, ये बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन हो सकते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, ये बहुत बढ़िया जादूगर का बन सकते हैं। दिमाग में से काम जितने भी प्रोफेशन हैं, इन सब का संबंध बुध से है। काउंटेसी, फाइनेंस एडवाइजर, काउंसलर, राजनेता, सिंगर, राइटर, फिलोसोफर, ये सब
बुध के अंतर्गत आते हैं। यदि बुध नीच का है तो ऐसे जातकों में क्या होगा? ऐसे जातकों को बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, ऐसे जातकों को इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है, ऐसे जातक कई बार डिप्रेशंस, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, सिरोसिस, मैंने 80% केसेस में जब बुध नीच का फर्स्ट हाउस में होगा, जे सिरोसिस के प्रॉब्लम देगा, जे एक्जिमा की प्रॉब्लम देगा, ये नर्वस सिस्टम को वीक करेगा, ये हमारे अंदर कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम को करेगा। जब हम स्किन से रिलेटिंग या नर्वस सिस्टम से रिलेटिंग कोई भी प्रॉब्लम अपने हॉरोस्कोप में देखते हैं, जहाँ हम किसी जातक में ये देखते हैं इसका नर्वस सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा, जैसे स्किन रेटिंग प्रॉब्लम्स हैं, हमें फौरन उसके बुध के बारे में जानना होगा, उसका बुध ग्रह कैसा है, कहाँ पर बैठा है, हमें बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके बुध ग्रह को भी ठीक करना है। मुझे आशा है कि आप सब मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।